Good morning and greetings in Jesus' name. सुप्रभात और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूं. This is a brand new day. और ये एक नया दिन है. Seek the kingdom of God first. और हम परमेश्वर के राज्य की खोज करें पहले. And His righteousness. और उसकी धार्मिकता की. Then the rest of the things God will take care. और जो बाकी चीजें हैं उनका परमेश्वर चिंता करेगा. So let us give ourselves a few minutes. और आइए हम कुछ समय इस समय हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए देंगे. In the Gospel according to St. Matthew chapter 5 is the first chapter where the beatitude or the sermon on the mount begins. और मत्ती के पांचवें अध्याय से हम देखते हैं वो पहला ऐसा अध्याय है जहां से प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश या वो धन्य वचन जो है वहां शुरू होते हैं. So chapter 5 but chapter 6 chapter 7 of Matthew is all full of teachings of Jesus. और इसलिए मत्ती का 5 6 और 7 सब यीशु मसीह की शिक्षाओं से भरा हुआ है. So I would like to meditate with you from chapter 5 verse 6. और इसलिए मैं आपके संग 5वें अध्याय उसके 6ठे वचन से आज की सुबह के मनन को रखना चाहता हूं. Verse 6 says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. और 6ठा वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे. Now what does this mean? और इसका क्या मतलब? Hunger and thirst after righteousness. कि वो धार्मिकता के भूखे और प्यासे बने. It means. इसका मतलब है. Nothing fascinates us so much as being near to God. कि ऐसी और कोई दूसरी बात है ही नहीं जो हमें और रोमांचित बनाती है इसकी बजाय जो हम परमेश्वर के निकट रहना चाहते हैं. A great servant of God said this. परमेश्वर के एक महान दास ने इस प्रकार कहा. That is what this verse means. और इसका इसी इस वचन का यही मतलब है. For a thirsty man. और एक प्यासे मनुष्य के. Nothing else is important as water. कुछ और दूसरी बात महत्वपूर्ण नहीं है जितना एक पानी होता है. For a hungry man. और एक भूखे मनुष्य के. What is the most important thing? कौन सी सबसे महत्वपूर्ण बात? It is some food. और वो है कुछ खाना. A right relationship with God, which leads to a deeper knowledge of Him, resulting a deeper love. और परमेश्वर के संग एक सही रिश्ता ही एक ऐसी बात है जो हमें उसके संग एक गहरे प्रेम में बढ़ाता है. So there, I would like to mention three biblical characters from whose life we can learn something about. What it really means to hunger. और इसलिए बाइबल के 3 ऐसे चरित्र हैं या पात्र हैं जिनके जीवनों का उदाहरण देकर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सच में ये भूख क्या है. First one is Moses. पहला पात्र बाइबल से है मूसा. His hunger for God is expressed in Exodus chapter 33. और मूसा का जो परमेश्वर के लिए भूखा था या प्यास था वो हमें दिखता है निर्गमन की पुस्तक उसके 33वें अध्याय में. Verse 13 and 18. और 13वां और 18वां वचन. Exodus. निर्गमन. 33. निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय. 13 and 18. 13वां और 18वां वचन. 13वें वचन में ये लिखा है. और अब यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि हो तो तू मुझे अपनी गति समझा दे जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे. फिर ये भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है. और 18वें वचन में इस प्रकार लिखा है, मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा. Now therefore I pray, if I have found grace in your sight, show me now your way, that I may know you, and that I may find grace in your sight, and consider that the nation is your people. And verse 18, and he said, please show me your glory. Now what do we understand from this? और इस वचन से हम क्या समझते हैं? In
If you are given choices, what will you choose? अगर आपको चुनने के लिए दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे? Now in Exodus chapter 32 and chapter 33. और निर्गमन की पुस्तक 32 और 33वें अध्याय में. God and Moses are engaged in a discourse. और मूसा और परमेश्वर एक वार्तालाप में लगे हुए हैं. If you remember, God was so upset. God was so angry. With the people whose rebellious spirit is leading them to be idolaters. और अगर आपको पता हो इस कहानी का जो दृश्य है या पृष्ठभूमि है, आपको पता होगा परमेश्वर कितना क्रोधित था लोगों से इज़राइल के. And so he wanted to destroy them. और वो उन सब का विनाश करना चाहता था. But Moses came in between. लेकिन मूसा परमेश्वर और लोगों के बीच में आ खड़ा हुआ. And God said to him, परमेश्वर ने मूसा से कहा, Here are some offers. और यहाँ पर कुछ चुनाव मैं तुझे देता हूँ. I will make you a great nation. मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा. And Moses said, और मूसा ने कहा, I don't want it. मुझे ये नहीं चाहिए. And God said, परमेश्वर ने कहा, I will make you a name great. मैं तेरे नाम को महान ठहराऊंगा. And Moses said, I don't want a great name. और मूसा ने कहा, मुझे एक महान नाम भी नहीं चाहिए. And God said, और परमेश्वर ने कहा, I will give you rest, Moses. मूसा, मैं तुझे विश्राम दूंगा. But Moses said, मूसा ने कहा, No, I don't need any rest. मुझे किसी विश्राम की आवश्यकता नहीं. He kept on refusing or rejecting all these wonderful amazing offers. और मूसा ने परमेश्वर के द्वारा दिए गए ये अद्भुत तोहफे और या वादों को लेने से इनकार कर दिया. And the only condition was, और शर्त सिर्फ इतनी थी, that he must get out of God's way so that God can destroy these. और परमेश्वर ने ये सारे चुनाव उसको इसलिए दिए थे कि किसी रीति से मूसा परमेश्वर और इज़राइल के लोगों के बीच से हट जाए और परमेश्वर अपना न्याय अपना क्रोध उन लोगों पर उतारे. And he said, before you destroy the people, लेकिन मूसा ने कहा, इससे पहले जबकि तू अपने लोगों का नाश करे, you wipe out my name from your book. तू पहले मेरे नाम को अपनी पुस्तक से मिटा दे. But then Moses, after all that, demanded one thing. लेकिन इन सारी बातों के बाद मूसा ने एक ही बात की मांग करी. I don't want any of these things that you have offered. मुझे इन सारी बातों में से किसी भी बात की आवश्यकता नहीं जो तूने मुझे दी है. But show me your glory. लेकिन मुझे अपनी महिमा को दिखा. Show me yourself. मुझे खुद को दिखा. All I want is to be near enough to have a glimpse of you. और जितना मैं चाहता हूँ वो सिर्फ यही है कि मैं तेरे निकट आकर तुझे देखने पाऊँ. He was so hungry and thirsty for God Himself. कि कितना भूखा और प्यासा वो परमेश्वर के लिए खुद था. That is Moses. और ये मूसा है. And the second character is David. और जो दूसरा पात्र बाइबल में हम देखते हैं वो है दाऊद. In Psalm number 42 verses 1 and 2. और भजन संहिता 42 का 1 और 2. भजन संहिता 42 एक और दो. We have heard with our ears, O God, our fathers have told us the deeds. I'm sorry. As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for you, God, for the living God. When shall I come and appear before God? जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाफता हूँ. जीवित परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ. मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? And then Psalm number 63. और उसके बाद भजन संहिता 63. Verses 1 and 2. और पहला और दूसरा वचन. O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water.
So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory. हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। Here is a man who is so thirsty and hungry for God. और यहाँ पर एक ऐसे मनुष्य को हम देखते हैं जो परमेश्वर के लिए इतना भूखा और प्यासा है। David had his choices. और दाऊद के पास अपने चुनाव थे करने के लिए। He had the throne and crown. और उसके पास वो ताज और सिंहासन था। Fame and kingdom. और वो प्रसिद्धि और साम्राज्य। Riches and popularity. और वो पैसा और हर प्रकार से धनवान और समृद्ध। He had all these. और ये सारी बातें उसके पास थी। But to him, nothing of these is important. लेकिन उसके लिए इनमें से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। What he is longing for? और वो जिन बातों के लिए लालसा करता था। It was longing like a very hungry man. और जैसे एक भूखा मनुष्य भूख प्यासा रहता है। Was hungering for the presence of God. वैसे वो भी परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखा था। See, that he could have been satisfied with so many other things, but he was never satisfied. वो किसी और बहुत सारी बातों से वो तृप्त हो सकता था, लेकिन वो कभी भी उन बातों से तृप्त नहीं हुआ। It is the sanctuary of God. ये तो परमेश्वर का भवन और उसका मंदिर। Presence of God. परमेश्वर का उपस्थिति था। That's what he longed for. उसी बात की भूख और प्यास उसने रखी। And then we have Apostle Paul. और उसके बाद तीसरा पात्र जो बाइबल से है वो है पौलुस प्रेरित। In Philippians chapter 3 verse 10. और फिलिपियों की तीसरा अध्याय दसवां वचन। Consider what he is longing for. और देखिए वहाँ पर वो किस बात की भूख रखता है। Three chapter three verse. फिलिपियों की पत्री तीसरा अध्याय दसवां वचन। And it says that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को और उसके दुख उसके साथ दुखों में सहभागिता होने के मर्म को जानूं। This is a very very strange thing. और ये तो बड़ी अजीब सी बात है। In order to know Jesus, कि जब आप यीशु को जानना चाहते हैं, Paul was willing to identify himself with Christ. पौलुस अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के संग पहचानने के लिए तैयार था। And enter into a fellowship with him. और उसके संग एक सहभागिता में जाने को तैयार था। With him means, इसका मतलब है, that we wanted to enter into a fellowship with his resurrection. और वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में सहभागिता करना। And the fellowship of his sufferings. और उसके दुखों में भी उसके संग सहभागिता करना चाहते। Being conformed to his death. और उसकी मृत्यु में उसके समान होना चाहता था। And then verse 11 says. और उसके बाद 11वां वचन कहता है। By any means. I may attain to the resurrection from the dead. ताकि किसी भी रीति से मैं भी मरे हुओं में से पुनरुत्थानित जीवन को पाऊं। I am willing to enter into fellowship with Jesus in his sufferings. और इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के संग उसकी दुखों में सहभागिता करने के लिए तैयार हूं। And my brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, here is what you need and I need. ये यहाँ पर एक बात है जिसकी आपको और मुझे आवश्यकता है। You know that what does it mean hunger and thirst? और इसका क्या मतलब है भूख और प्यास? The presence of God. परमेश्वर का उपस्थिति। Deuteronomy 4:29. और व्यवस्था विवरण उसका चौथा अध्याय 29वां वचन। And for the word of God. परमेश्वर का वचन। Psalm number 119. और भजन संहिता 119। The whole psalm is talking about the word of God. ये पूरा भजन बात करता है परमेश्वर के वचन के विषय। And then the communion of Christ. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के संग सहभागिता। Philippians 3:8-10. और फिलिपियों की पत्री तीसरा अध्याय 8वें वचन से लेकर 10वें। The fellowship of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के संग सहभागिता। Gospel of John chapter 7:37-38. और यूहन्ना रचित सुसमाचार सातवां अध्याय 37 और 38 वचन। Then the kingdom power.
और वो साम्राज्य का सामर्थ्य। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 और मत्ती रचित सुसमाचार उसका छठा अध्याय 33वां वचन। And then the return of the Lord Jesus Christ. और जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा। 2 Timothy chapter 4 verse 8. और दूसरा तीमोथियस 4:8 वचन। See, these are the greatest desire of anyone who is thirsty and hungry for the present for God Himself. और ये किसी भी एक के लिए सबसे बड़े एक लालसा, एक भूख और प्यास है जो परमेश्वर के लिए भूखा और प्यास। As you begin your day, और जैसे आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, let this be your motto, your desire. होने दे ये आपकी भी इच्छा होने पाए। And may the Lord bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Lord, we need the Holy Spirit. परमेश्वर हमें तेरे पवित्र आत्मा का आवश्यकता है। That we may dwell with you. ताकि हम तेरे संग रहने पाएं। And enter into that fellowship with you. और तेरे संग एक सहभागिता में बढ़ने पाएं। Not only in the resurrection, but also in the suffering of Christ. ना केवल तेरे पुनरुत्थान में, लेकिन तेरे दुखों में सहभागिता। See, Paul wanted to have an experience of the suffering of Christ. पौलुस तो प्रभु यीशु मसीह के दुखों में सहभागिता करना चाहता है। And we know that there is no other person in history except maybe just a few. और पिता हम इस बात को जानते हैं कि पूरे इतिहास में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है। Who had suffered for Jesus Christ so much as Apostle Paul. जहाँ पर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु परमेश्वर के लिए पौलुस के समान दुख और कष्टों को उठाया। I wanted to know Christ. मुझे यीशु को जानना चाहता है। All of us want to know Christ in all his glory. हम में से हर एक प्रभु यीशु को जानना चाहता है उसकी पूरी महिमा में। But the real knowledge of Christ comes not only by having a fellowship with all his victories but also his suffering. और जो परमेश्वर का पूरा सामर्थ्य आता है वो उसकी दया, उसकी करुणा से। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। As you long for the Lord. जैसे आप परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होते हैं। Amen. Amen.